दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एम्पलीफायर है ये 20 साल पुराना है, यानी यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ फैली यहाँ चेचिस लगा हुआ है। इसमें ऑडियो कैसेट जो आते थे उससे ये चलाया जाता था, लेकिन काफ़ी दिनों से ये बेकार पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज इसको कुछ मॉडिफाई किया जाए। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे रहा करता था, यहाँ पर एक कैसेट लगता था और ये कैसेट लगा के इसे चलाया जाता था और यहाँ इसकी लाइट वगैरह बहुत सुंदर रहता था। तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह का ब्लूटूथ किट, जैसा कि आप देखते हैं ब्लूटूथ स्पीकर में ये सब लगा रहता है, इस किट को इसमें हम लगाएंगे, यानी इसे ब्लूटूथ एम्पलीफायर बनाना है। कैसे लगाना है पूरा वीडियो को वॉच करिएगा, जिससे आपके पास भी अगर इस तरह का कोई भी पुराना एम्पलीफायर हो तो आप आसानी से इस तरह के ब्लूटूथ किट को इसमें इंस्टॉल कर सकें। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसे चलाने के लिए देखिए हमारा जो ये ब्लूटूथ कार्ड है ये मैक्सिमम 5 वोल्ट तक सप्लाई मिलता है तो ये चलता है, उसके ऊपर आएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। और वैसे इसमें 3.7 वोल्ट की बैटरी लगा रहता है तो ही ये चलता है, लेकिन मैक्सिमम 5 वोल्ट इसे सप्लाई दे सकते हैं। अब यहाँ जो हमारा एम्पलीफायर है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है इस ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो हमें 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 वोल्ट सप्लाई बनाना है। तो 5 वोल्ट सप्लाई बनाने के लिए देखिए आप ये आता है 7805 IC, जो कि आप इस पे 6 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट 13 वोल्ट तक कोई भी सप्लाई DC सप्लाई देंगे तो ये 5 वोल्ट आउट करेगा। इसका पिन आउट ऐसे होता है, यहाँ फर्स्ट नंबर जो पिन है इस पे आप सप्लाई देते हैं, इनपुट होता है, यानी आप जो भी आपके पास 10 वोल्ट 12 वोल्ट सप्लाई है इस पिन पे देंगे, बीच वाला पिन ग्राउंड होता है और इस साइड से 3 नंबर वाले पिन से हमारा 5 वोल्ट आउट होता है। इसमें किसी और पार्ट की नहीं ज़रूरत होती है, बस यहाँ 12 वोल्ट देंगे और यहाँ 5 वोल्ट एक्यूरेट आपको सप्लाई मिलता रहेगा। अब यहाँ इसको कनेक्शन करना है तो आइए फटाफट हम कनेक्शन इसका करते हैं। तो यहाँ पे हमको 12 वोल्ट देना है, यहाँ ग्राउंड करना और यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउट होगा। तो अब हमें सप्लाई सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ DC सॉकेट लगा हुआ है पीछे आप देख सकते हैं इस तरह से, तो DC सॉकेट पे 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे ऑलरेडी है। अगर यहाँ सप्लाई नहीं होती है तो आप इस प्लेट को खोल के और यहाँ जो मेन कैपेसिटर यहाँ देखिए बड़ा वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके माइनस और प्लस पे आप 12 वोल्ट सप्लाई वहाँ से वायर जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई उठा ले रहा हूँ। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ देखिए 2 वायर यहाँ प्लस के लिए आपका रेड और माइनस के लिए ब्लैक वाला वायर यहाँ जोड़ लिया, यहाँ पे हमको 12 वोल्ट सप्लाई मिल रही चूँकि यहाँ देखिए फ्यूज से हो के यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो अभी हमें क्या करना है, जो प्लस वाला यानी 12 वोल्ट प्लस है तो इसे हमें रेगुलेटर के देखिए रेगुलेटर के फर्स्ट नंबर पिन पर यहाँ पर जोड़ना है। तो रेगुलेटर को हम थोड़ा सा ऐसे घुमा लेते हैं जैसे जोड़ने में हमको आसानी हो। फर्स्ट नंबर पिन पे हमको प्लस वाले वायर को जोड़ देना है। अब यहाँ जो हमारा माइनस वाला वायर है ये बीच वाले, मैंने बताया कि इसका जो 2 नंबर वाला पिन होता है ये ग्राउंड होता है, तो इस माइनस वाले वायर को आपको इसके ग्राउंड वाले पिन से जोड़ देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको जोड़ देना है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अभी यहाँ से हमारा निकलेगा 5 वोल्ट, तो हमें इस कार्ड को चलाने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ क्या करेंगे देखिए, इस तरह अगर आपके पास इस तरह का जैक हो तो ठीक है, अगर जैक नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए प्लस बी और प्लस माइनस का देखिए प्लस बी और बी माइनस आपको यहाँ सिंबल देखने को मिल जाएगा। तो जो बी प्लस लिखा है यहाँ पे आपको रेड वाला यानी प्लस वाला सप्लाई जोड़ना है और जहाँ बी माइनस वहाँ पे माइनस जोड़ना है। तो मेरे पास यहाँ जैक है, बस इसको आपको मिला के देख लेना है, रेड वाला प्लस है तो हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ देखिए रेड वाला प्लस हमारा इस साइड में जा रहा है और हमारा बी प्लस भी उसी साइड में है, तो यहाँ इस तरह से हम इसे लगा लेंगे। अब यहाँ जो प्लस वाला है अपने रेगुलेटर के 3 नंबर पिन पर हम यहाँ सोल्ड कर देंगे। अब यहाँ हमारा देखिए 3 नंबर पे हमारे रेगुलेटर पे जुड़ चुका है इसका प्लस वाला, और यहाँ जो माइनस है यानी जो ब्लैक वाला वायर है इसे हमें कहाँ जोड़ना है, जो हमारे रेगुलेटर का 2 नंबर पिन है यानी जहाँ ग्राउंड से हम यहाँ नेगेटिव सप्लाई उठाए हैं वहाँ पे हमें ग्राउंड वाला वायर यहाँ पर इस तरह से जोड़ देना है। अभी हमारा देखिए यहाँ इसको सप्लाई हम दे दिए यानी 5 वोल्ट सप्लाई इसे हमको अब मिल गया है। अब क्या करना है, आपको इससे जो आउटपुट निकलता है यानी इस कार्ड से जो आपका आउटपुट स्पीकर पे देते हैं, यहाँ दो देखिए एक सॉकेट लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या करना है आपको,
फिर एक जैक लेना है, या अगर जैक आप इस तरह का वायर नहीं है तो आप डायरेक्ट वायर यहाँ से दोनों पे सोल्ड कर लेंगे। तो मेरे पास ये वायर है तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और लगा लेने के बाद अब यहाँ एक वायर आपको माइनस पे जोड़ना है और एक वायर कहाँ जोड़ना है, अब इस एम्पलीफायर का जो ऑडियो होता है वहाँ चेक करना है। जैसे आपको वॉल्यूम पे मिलेगा या इस तरह से आपका स्विच लगा होगा, देखिए इस तरह से यहाँ से आपका एक्स और सीडी करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से दो वायर निकला होगा या एक वायर निकला होगा, जैसे कि यहाँ पीछे आप देख सकते हैं माइक का सॉकेट लगा हुआ है, इस माइक के सॉकेट पे भी वायर एक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे सप्लाई देते हैं और चेक करके ऑडियो आपको हम दिखाते हैं, लेकिन इसे हम यहाँ सुरक्षित कर लेंगे, कहीं शॉर्ट करेगा मतलब तो ये ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैंने इसे ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ खुर खार की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ हमको ऑडियो सही से नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस सॉकेट का जो पॉइंट है वो नीचे की ओर है, तो हम इसका सॉकेट को खोल के और इसका जो पॉइंट है उसको ऊपर की ओर कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों हमने सॉकेट को यहाँ देखिए पलट लिया है, अब यहाँ हम ऑडियो चेक करते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ वायर आया हुआ है, यहाँ पर ऑडियो हमको थोड़ा सा मशीन हमारा हाँ ऑफ हुआ था, तो अभी यहाँ देखिए ऑडियो हमको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ऑडियो हमारा मिल रहा है लेकिन एक वायर यहाँ पे आया हुआ है, जबकि हमको यहाँ दोनों चैनल का चाहिए, क्योंकि इस किट में जहाँ से साउंड आउटपुट होता है वहाँ पे नेगेटिव का कोई वायर नहीं होता है, दोनों इसका प्लस ही होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ दोनों चैनल का प्लस यहाँ से देखिए इस सॉकेट से यहाँ इस स्विच से दोनों प्लस वाले चैनल को लेके यहाँ पे आना होगा, यानी दोनों वायर की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ क्या करते हैं, हम एक दूसरा वायर लेते हैं और यहाँ पे दोनों चैनल का वायर हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ दो वायर लगा दिए हैं और दो वायर लगा के मैंने देखिए यहाँ पे वायर लेके चलाया है। अब यहाँ हमारा दोनों प्लस है, यानी हमारा ये दोनों चैनल का ये प्लस है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा साउंड आउटपुट इस कार्ड से हो रहा था, दोनों वायर को दोनों में आप किसी में भी जोड़ सकते हैं, यहाँ कोई प्लस माइनस का लफड़ा नहीं है, चाहे पैसे जोड़ दीजिए चाहे ऐसे जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट हम दोनों वायर में जोड़ के और यहाँ पे टेप लगा देता हूँ। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ दोनों चैनल को अलग अलग जोड़ के और फिर टेप मार के इसे सुरक्षित कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जो 7805 आपका लगा हुआ है यहाँ पे एक हीट सिंक लगा के और इसे कहीं अच्छी तरह से टाइट कर देना है, क्योंकि जब चलेगा तो ये 7805 गर्म होगा। अगर आप इस पर हीट सिंक नहीं लगाते हैं तो ये बहुत जल्द खराब हो सकता है। तो फटाफट हम इस पर हीट सिंक लगा के और एक जगह पे इसे टाइट कर देते हैं। अभी दोस्तों हमने यहाँ 7805 को हीट सिंक लगा के अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अब आपका जो कार्ड है, या तो आप किसी पेपर में लपेट के यहाँ मतलब प्लास्टिक में लपेट के यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो ग्लू गन की मदद से कहीं भी इसको अस्थाई चिपका देंगे, जिससे हिले डुलेगा नहीं तो आपका वायर नहीं टूटेगा। अब आइए हम इसे ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने ऑन किया, अब आप देख सकते हैं जो हमारा ब्लूटूथ सिस्टम है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे अपना कोई भी मोबाइल डिवाइस हम इसे कनेक्ट करेंगे और हमारा सॉन्ग अच्छी तरह से चलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ऑन करते ही ये अपना जो ब्लूटूथ का तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह से आप अपने पुराने से पुराने एम्पलीफायर में ब्लूटूथ सिस्टम फ्री में, यानी आपका जो यहाँ पिन उन उखड़ जाता है, इस तरह का कोई भी कार्ड हो, इसे लगा के आप बड़े आसानी से ब्लूटूथ सिस्टम इसे बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।